नमस्ते दोस्तों, वीरल मार्केटिंग की तरफ से आज मैं आपको बॉल पेन बनाने की मशीन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको हर एक मशीन किस तरह से चलानी है उसकी ट्रेनिंग दूंगा, जिससे आप घर बैठे बैठे जो है होम डिलीवरी मंगा सकते हैं मशीन की, और बिना कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के भी आप वो मशीन आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह का पूरा डिटेल वीडियो मैं दूंगा आज आपको। पहली मशीन जो है एडाप्टर फिटिंग मशीन है। इस मशीन की मदद से आप बॉल पेन के अंदर एडाप्टर फिट कर पाएंगे। उसके बाद है इंक फिलिंग मशीन। इसकी मदद से आप जो है बॉल पेन के अंदर इंक भर पाएंगे। बॉल पेन हो गई, रिफिल वाली पेन हो गई, दुनिया की कोई भी पेन हो, इस मशीन की मदद से आप उसके अंदर इंक भर पाएंगे जी। उसके बाद टिप फिटिंग मशीन है। दुनिया की कोई भी पेन हो उसके अंदर आप टिप फिट कर सकते हैं इस मशीन की मदद से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन है। टिप फिट करने के बाद जो है आपको पेन को इस मशीन में घुमाना है ताकि वो पेन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो है नेम प्रिंटिंग मशीन है। पेन कंप्लीट होने के बाद आप उसके ऊपर नाम छाप सकते हैं, अपनी ब्रांड नेम। आप अपनी पेन का जो भी ब्रांड नेम रखना चाहे वो ब्रांड नेम जो है आप इस मशीन की मदद से उसके ऊपर छाप सकते हैं जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ हर एक मशीन कैसे काम करता है उसका एक डिटेल वीडियो, एक एक मशीन करके आपको दिखाऊंगा, उसकी सारी डिटेल भी दूंगा जी। दोस्तों तो सबसे पहली मशीन जो है वो है एडाप्टर फिटिंग मशीन। आप देखेंगे तो ये एडाप्टर है। ये एडाप्टर जो है हम बॉल पेन में फिट करेंगे। अब दिखाता हूँ मैं कि इसे कैसे फिट किया जाए। एडाप्टर लेके आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया गया है, इस होल में एडाप्टर रखना है। दूसरे हाथ से आपको जो है ऐसे होल्ड करके रख देना है इसको, और सिंपल सा प्रेस करना है, इसको निकाल लेना है। इसी तरीके से आप जो है फटाफट एक एक एडाप्टर रखते जाइए और इसमें जो है फिट करते जाइए। जब आप बल्क प्रोडक्शन करने जाते हैं तो एक साथ 2000 पेन में पहले एडाप्टर फिट कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाइए, तो आपकी जो है स्पीड आ जाएगी जब आप एक ही काम बार बार करेंगे जी। दोस्तों दूसरी मशीन है इंक फिलिंग मशीन। सबसे पहले इस मशीन को कैसे यूज किया जाए, तो सबसे पहले ये ढक्कन खोलिए। आपको जो है इंक लेके यहाँ से अंदर डालना है जी हाँ। इस मशीन में जो है मार्किंग आती है, जैसे कि यहाँ तक जो है आपको इंक भरना है, वो सब मार्किंग होके आएगा जब आपके पास मशीन आएगी। ब्लैक कलर का मार्किंग होगा, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम मार्किंग लेवल, सब कुछ मार्क होके आएगा, वहीं तक आपको भरना है। अब इंक भरने के बाद तुरंत जो प्रोसेस होगा, 1 किलो इंक इसके अंदर आएगी एट अ टाइम। उसके बाद एडाप्टर फिट की हुई पेन जो है वो आपको लेना है। जैसे आप देख सकते हो ये सब पेन में हमने एडाप्टर फिट कर दिया है। एडाप्टर फिट की हुई पेन लेना है आपको। यहाँ पे एक नोजल दिया हुआ है, इस नोजल में लगाना है ठीक है। एक बार मैं आपको साइड से भी बता देता हूँ, ये नोजल है, पेन लेना है, इस नोजल में डालना है, ये इंडिकेटर है, आपको प्रेस करना है। एक सिंगल प्रेस में जो है इंक ऊपर तक भर जाएगी। ये इंडिकेटर जो दिया हुआ है इस लेवल तक ही आपको जो है इंक भरना है। जैसे ही आपको दिखता है कि इंक जो है यहाँ तक पहुँच गई है, हैंडल प्रेस करना छोड़ दीजिए, इंक भर गई है, उस पेन को लीजिए, साइड में सो के रखिए इसको, कोई भी बॉक्स या कंटेनर में रखिए, बस सुला के रखिए। अगर आप सीधी रखेंगे तो उसमें से इंक निकल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पेन लीजिए, इसको लगाइए, सिंगल प्रेस कीजिए और इंक जो है आपकी इसमें भर जाएगी। इस तरीके से सारी पेन लेके इंक भरते जाइए। इसके बाद आप सोचेंगे कि ये दो वायर क्यों दिए हुए हैं, ये सिर्फ हमारी मशीन में आपको मिलेगा। वीरल मार्केटिंग से अगर आप मशीन लेते हैं तो आपको ये दो वायर भी आएंगे इसके साथ। ये जो है हीटिंग प्रोसेस बोलते हैं इसे। अगर समझिए कि आपके प्रदेश में बहुत ठंड है, या तो अंदर आप जब ढक्कन खोलने गए अंदर कुछ कचरा चले गया जिसकी वजह से वो सर्किट में फंस जाएगा अंदर, तब आपको जो है ये दो वायर लेने हैं। ये रेगुलेटर आपको साथ में ही आएगा। ये रेगुलेटर लेके ये दो वायर जो है इसमें डाल देने हैं, यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है, और रेगुलेटर का वायर जो है आपकी स्विच बोर्ड में जाएगा जी। रेगुलेटर को 40 डिग्री सेल्सियस पे रख दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो टेम्परेचर दिया हुआ है, 40 टेम्परेचर पे रख दीजिए
और 10 मिनट के लिए मशीन को छोड़ दीजिए। ये क्या करेगा, ये हीटर दिया हुआ है, ये पूरी मशीन को चैनल को नीचे से गर्म करेगा, जिसकी वजह से जो कचरा होगा वो इंक पतली होने की वजह से आसानी से बाहर आ जाएगा, अटका हुआ कचरा। और यदि अगर आपके प्रदेश में बहुत ठंड है तो अगर इंक जो है गाढ़ी हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, तो वो जो है सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी पतली हो जाएगी। और फिर पूरे दिन आपको बस 10 मिनट चला के इसको रखना है, उसके बाद पूरे दिन जो है आपकी मशीन काम करेगी बिना कोई प्रॉब्लम। अब इंक भरने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है टिप फिटिंग। टिप फिटिंग जो है, जिसे हम नोजल भी बोलते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसे नोजल बोलते हैं, जिससे आप लिखते हैं पेन, जिसकी मदद से आप लिख पाते हैं, ये नोजल है। अब मैं आपको नोजल कैसे फिट करना है वो दिखाता हूँ। इसमें जो है छोटा सा एक होल दिया हुआ है, इस होल में आपको नोजल डाल देना है, पेन लेनी है, थोड़ा साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, पेन लेनी है, इसको ऐसे निशाना रखिए, इसमें जो है आप देखेंगे तो गड्ढे दिए हुए, इस गड्ढे में पेन आपको डाल देना है, सिंपल सा इसे हैंडल खींचना है, आपका नोजल जो है पेन के अंदर फिट हो गया है। इस तरीके से जो है नोजल फिट होता है। एक और पेन जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक और नोजल फिट करके दिखाता हूँ। ये नोजल लेना है यहाँ से, इसको यहाँ पे फिट करना है, पेन लेना है, यहाँ पे निशान लगा के रख दीजिए पेन, इसको ऐसे सिंगल सा खींचिए, ये आपका जो है टिप फिट हो चुका है पेन के अंदर। जी दोस्तों, तो अब चौथी मशीन जो है वो है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज जो है पेन को गोल घुमाती है। गोल क्यों घुमाते हैं हम पेन को, ताकि जो आपने इंक भरी है, ठीक है, उसके बाद आपने टिप लगाया है, टिप जो कि जो है नोजल, आपकी नोजल में अभी तक जो है इंक आया नहीं है, अब उस इंक को नोजल तक धक्का लगाने के लिए हम जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको डालते हैं, जो फोर्स से क्या करता है इंक को आगे की तरफ धकेलता है, आपकी टिप में इंक आएगी तो आपकी पेन जो है लिखना स्टार्ट कर देगी। अब इस आपको क्या करना है, टोटल 60 पेन लेनी है, 60 पेन लेके इस तरीके से एक बंच बना देना है, रबर बैंड लगा के उसका एक बंच बना दीजिए, 60 पेन का बंच जो है इसके अंदर जाएगा। टिप जो है दोस्तों, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, टिप जो है अंदर की तरफ होनी चाहिए, जब आप इस मशीन में डालते हैं पेन, टिप अंदर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। अब टिप अंदर की तरफ है और ये पीछे का जो हिस्सा है पेन का वो बाहर की तरफ है। जब आप इसको ऑन करेंगे, दोनों तरफ इस तरह से दो बंच बनाने हैं, दोनों तरफ 60 पेन रखनी है, टोटल 120 पेन एक टाइम में घूमेगी। इस मशीन को आपको टेबल में फिट करना है, 4 स्क्रू लगा के, यहाँ पे होल दिए हुए हैं 4, ताकि मशीन जो है वाइब्रेट ना हो जब वो घूमे। अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ बिना फिट किए हुए, इसको ऑन करना है, इस तरीके से घुमाना है, टोटल जो है इसको एक मिनट के लिए घुमाना है मीडियम स्पीड पे। यहाँ पे रेगुलेटर दिया हुआ है स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। टोटल एक मिनट के लिए आप घुमाएंगे, पेन जो है आपका लिखना स्टार्ट कर देगी। जी दोस्तों, तो अगला प्रोसेस जो है वो है नेम प्रिंटिंग मशीन। इसकी मदद से आप जो है पेन के ऊपर नाम छाप पाएंगे, आप जो भी ब्रांड नेम रखना चाहे अपनी पेन का, वो ब्रांड नेम आप जो है इस मशीन की मदद से छाप पाएंगे। जब आप मशीन लेते हैं तब हम आपको 7 लेटर्स मैक्सिमम जो है आपको ब्रांड नेम पूछते हैं, 7 लेटर्स का मैक्सिमम उसकी डाई बनेगी एक, वो डाई इसमें फिट होके आएगी आपको। इस तरीके से इसमें रोल फिट होगा, डाई बीचों बीच फिट होगी, और ये रोल का दूसरा छेड़ा है, दूसरा छोड़ है जो आपको जो है गोल घुमाना है। ये रेगुलेटर है, मशीन के दो वायर जो है इस रेगुलेटर में डालने हैं आपको। मैं आपको एक बार वापस से डाल के दिखा देता हूँ, ये एक वायर यहाँ पे डालना है, दूसरा वायर यहाँ पे डाल दीजिए। राइट लेफ्ट का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वायर राइट में जाता है तो दूसरा वायर लेफ्ट में जाएगा। रेगुलेटर में जो है मीटर दिया हुआ है, इसको आप 30 पे सेट कर दीजिए, डिपेंड करेगा, ज़्यादा ठंड वाला प्रदेश होगा तो शायद 35 या 40 तक जाएगा, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, थोड़ा फ्लक्चुएशन के हिसाब से। आप एक पेन लीजिए, उसमें नाम छाप के देखिए, अगर अच्छे से छपता है ठीक है, अगर नहीं छपता है तो टेम्परेचर को आप थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो आपका नाम जो है सही से छपने लगेगा। फिर जो टेम्परेचर पे आपका एक बार सही से छपा है, हर बार फिर आपको वही टेम्परेचर सेट करके रखना है, उसको फिर चेंज नहीं करना है।
इस तरीके से पेन लीजिए, पेन को यहाँ पे रखिए, मैं आपको इस तरफ से भी थोड़ा दिखा देता हूँ। पेन को लेना है इस तरफ से, जो है आपको डाल देना है, यहाँ पे जाके पेन अटक जाएगी, फिर जो है इसको प्रेस कीजिए। सिल्वर रोल जो है इसके अंदर, इसके अंदर का जो सिल्वर कलर है वो निकलेगा, गरम गरम डाई जब सिल्वर रोल पे लगेगी उसका सिल्वर कलर निकल के पेन के ऊपर चिपक जाएगा, पेन को जो है अंदर तक दबा के कलर डाल देगा उसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है नाम छपा हुआ है, इस तरीके से जो है नाम छप के आएगा। अगर आपको शायद क्लियर दिख रहा हो तो आप जी। दोस्तों तो अब हम मिलते हैं देवेंद्र जी से, जो विरल मार्केटिंग के ओनर हैं। अगर आप देखेंगे जो 5 मशीन का सेट है, इन्होंने ही इन्वेंट किया है ये पूरा मशीन। ये टोटल 27 सालों से यही बिजनेस कर रहे हैं, इन्हीं मशीन को इन्होंने डेवलप करके आज इस लेवल पे लेके आए हैं। अगर आप मार्केट में गूगल करेंगे या यूट्यूब कीजिए, इस क्वालिटी की मैनुअल मशीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। लोग जो है 2-3 मशीन का सेट देंगे, 5 मशीन का सेट इतनी कम प्राइस में कोई नहीं दे रहा, वो भी इस क्वालिटी की। जब आप देखेंगे मशीन जो है भारी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्रोम जो है फिनिश है पूरा, स्टील प्लेटिंग किया हुआ है पूरा का पूरा। इस क्वालिटी की मशीन आपको मार्केट में इस प्राइस में कहीं नहीं मिल पाएगी। प्लस रॉ मटेरियल पूरा का पूरा यहीं से अवेलेबल है, बैरल से लेके इंक और पैकिंग मटेरियल सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है, आपको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसकी 1 ईयर की वारंटी रहेगी, यहीं पे सब कुछ जो है सॉल्व करके दिया जाएगा आपको। इवन 1 साल के बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आसानी से आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगर आप बहुत दूर रह रहे हैं तो आपको जो है वीडियो बना के भेजा जाएगा कि मशीन कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सारी मशीन अगर आप देखेंगे स्क्रू बोल्ट और नट से इस तरीके से बनाई गई है, जो आप हर एक पार्ट जो है फोल्डिंग है, आप कोई भी एक पार्ट निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं घर बैठे बैठे आराम से। अगर आपको समझिए कि ग्लास में कोई प्रॉब्लम आया या हैंडल में प्रॉब्लम आया, आपको नया हैंडल यहाँ से कुरियर कर दिया जाएगा। स्क्रू कैसे खोलना है, कैसे नया हैंडल फिट करना है, कैसे रिप्लेस करना है, उसका वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, जिससे आपका और हमारा इनका सबका टाइम जो है बहुत बचेगा और काम जो है फटाफट होगा। उसके अलावा आपको कुछ भी लगता है कि मशीन आप जो है आप नहीं कर पा रहे सॉल्व प्रॉब्लम, तो उसे पैक करके कुरियर कर दीजिए यहाँ पे, उसको रिपेयर करके वापस आपको कुरियर कर दिया जाएगा। ये पूरी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और प्लस हर एक मशीन में जो है नीचे जैक दिए हुए हैं, जैसे टिप फिटिंग मशीन है, नीचे जैक दिया गया है। पेन की लंबाई के हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई भी पेन आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आपको एडाप्टर फिटिंग मशीन में भी जैक दिए गए हैं, पीछे स्क्रू दिए गए हैं, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे मशीन कोई भी साइज की पेन हो इसमें फिट हो जाएगी। उसी तरीके से जो है इसमें भी आप कोई भी पेन सेट कर सकते हैं नेम प्रिंटिंग मशीन में। सबसे यूनिक चीज़ जो है वो है नेम प्रिंटिंग मशीन, मार्केट में कोई भी नेम प्रिंटिंग मशीन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। नेम प्रिंटिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी पेन बनाते हैं अपने ब्रांड नेम दीजिए, अपने ब्रांड से उसको जो है मार्केटिंग कीजिए। आगे जाके जो है समझिए कोई बच्चा आज पेन लेने जाते हैं, वो देखेगा कि चलो एक्स वाई जेड नाम की पेन बहुत अच्छी चल रही है, तो यही बोल देगा मुझे एक्स वाई जेड नाम की पेन चाहिए। अगर आप उस पर नाम देंगे तो आपकी आपकी पेन जो है आपके नाम से ढूंढते हुए आ पाएगा जी। दोस्तों तो शुक्रिया, अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नीचे गए नंबर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे हम आपको सारी डिटेल भेजेंगे, उसमें बैंक अकाउंट डिटेल होगा, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग होगा। और इसके अलावा हमारा जो ये जो विरल मार्केटिंग का शॉप का एड्रेस है वो भी दिया हुआ होगा, तो आप कभी भी यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको डेमो प्रैक्टिकल डेमो चाहिए तो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल डेमो लीजिए, मशीन बुक करके जाइए और आपको जो है मशीन होम डिलीवरी कर दी जाएगी, अगर रेडी में अवेलेबल हुई, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बुकिंग होती है मशीन की, एडवांस बुकिंग चल रही होती है, कई बार 1 या 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड भी होता है, तो आपको डेट दे दिया जाएगा और होम डिलीवरी दिया जाएगा। और रेडी में अवेलेबल है तो रेडी में दे दिया जाएगा। धन्यवाद। अब आप हम आपको आगे वीडियो में ये दिखाएंगे कि व्हाट्सएप में कौन सी डिटेल आती है, उसको कैसे पढ़ा जाए और कैसे आप मशीन बुक कर सकते हैं। दोस्तों तो अब आप
आपने मशीन ले ली है, आपने रॉ मटेरियल भी ले लिया है, अगला सवाल आपका ये आता है कि अब मैं बॉल पेन बना के कैसे बेचूंगा और कहाँ बेचूंगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, सेल्फ मार्केटिंग। आपको खुद ही पेन बनानी है और इसका मार्केटिंग भी खुद ही करना है ताकि आपका बिजनेस और ज़्यादा डेवलप हो पाए। पहला जो रास्ता होगा आपका, रिटेल स्टेशनरी स्टोर्स 30 डे चैलेंज। ये 30 डे चैलेंज अब क्या है, जितने भी आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके आसपास जितनी भी एरियाज हैं वो सब आपको कवर करना है, आपको पूरा शहर अपना कवर करना है। किस तरीके से, तो रोज के डे वन 10 स्टोर्स, रोज का आपको 10 स्टोर में जाके जो है मार्केटिंग करना है अपने प्रोडक्ट का। इसी तरीके से डे टू दूसरे दिन भी 10 अलग अलग दूसरे स्टोर्स में जाके आपको मार्केटिंग करना है। इस तरीके से आप पूरा महीना मार्केटिंग करेंगे, रोज के अलग अलग एरिया में जाके 10 स्टोर आप पकड़ेंगे, टोटल 300 स्टोर हो जाएंगे एक महीने के। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपने महीने में 300 स्टोर नहीं किए है, 2 महीने में आपने 300 स्टोर जो है कंप्लीट किए, तो 2 महीने के अंदर आपके पास इतना बड़ा क्लाइंट बेस खड़ा हो जाएगा जिससे आप जो है आराम से अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे 300 स्टोर। अब मैं ये भी मान लेता हूँ आपने 2 महीने में 300 स्टोर में जाके मार्केटिंग किया है, 300 के 300 स्टोर आपसे माल शायद ना भी ले, उसमें से मैं मान लेता हूँ 150 स्टोर्स ने लिया, 150 ना सही, चलो मैं मानता हूँ कि 100 स्टोर्स ने लिया, वो आपके क्लाइंट बन गए। अब मैं एक दूसरा कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए ये कैलकुलेशन। आप एक स्टोर में जो है 400 का माल बेचेंगे, 400 बॉल पेन देंगे आप, क्योंकि ये कोई भी एक स्टोर वाला 400 पेन आराम से एक हफ्ते में बेच देता है, ये बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो एक दिन में अगर आप 5 दुकान में जाके माल बेचते हैं तो आपका टोटल माल हुआ 2000 पेन। आपका डेली मशीन का प्रोडक्शन है 2000 पेन का 9 घंटे में, तो आपका पूरे दिन का माल जो है बिक जाएगा अगर आप सिर्फ 5 स्टोर में भी अपना माल बेच के आ जाए 400 400 पेन। अब अगर समझिए एक दिन में आपको 5 स्टोर में बेचना है तो हफ्ते के हो गए 7 स्टोर, तो 7×5=35, 35 स्टोर। एक हफ्ते में आपको 35 स्टोर के कॉन्टेक्ट चाहिए और इनका माल एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। 400 पेन जो आपने बेची है पहले स्टोर को, पहले दिन बेचा है, 7वें दिन उसका माल ख़त्म होगा, 8वें दिन आपको वो फ़ोन करके बोलेगा कि भैया मुझे और 400 पेन बेच दीजिए, आपकी पहली पेन ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से एक साइकिल बनेगा आपका बिजनेस साइकिल, 35 स्टोर की बदौलत आप जो है अपना बिजनेस आराम से चला सकते हैं। अब सोचिए अगर आप 300 स्टोर का कांटेक्ट करते हैं उसमें से 150 भी नहीं, सिर्फ 100 स्टोर भी अगर आपका माल लेते हैं तो आपका डेली बिक्री आराम से हो जाएगा। अगर सिर्फ 3 दुकानें भी आपका माल लेती है आपका डेली प्रोडक्शन जो है आराम से ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है क्लाइंट बेस बनाना है और इस तरीके से पूरा बिजनेस साइकिल वर्क करता है पेन बॉल पेन इंडस्ट्री। जी नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोबाइल स्क्रीन है, आप हमें इसी नंबर पर दिए गए नंबर पर सिर्फ एक व्हाट्सएप कीजिए हाय करके इस तरीके से, तो हम जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला होगा YouTube का वीडियो का लिंक, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको आपको बस सिर्फ एक क्लिक करना है, अगर आप इस पर बस एक क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वीडियो खुल जाएगा हमारा YouTube में जाके। इसके अलावा मैं बैक करता हूँ, नीचे जो है हम रॉ मटेरियल का फ़ोटो भेजते हैं, जैसे ये फ़ोटो अगर आप इसको खोलेंगे, हम जितनी भी फ़ोटो भेजते हैं आपको खोल के एक बार पढ़ना है, अगर आप खोल के देखेंगे फ़ोटो इसमें आपको सारी डिटेल दिखेगी। जैसे सबसे पहली जो है ये रॉ मटेरियल का पूरा कॉस्ट है फ़ोटो के साथ, ये जो है 2 रुपये वाली पेन है, इसका आप देखेंगे तो 0.96 पैसा कॉस्ट दिया हुआ है, उसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है 1.30 रुपये, 1.40 रुपये, और रिटेल प्राइस 2 रुपये। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे इसमें तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 पैसे से 40 पैसा एक पेन के पीछे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब ये जो आप दोस्तों जो रॉ मटेरियल देख रहे हैं इसमें सब कुछ आ गया है, जैसे इसमें इस तरफ अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो एडाप्टर दिखाया हुआ है, टिप दिखाया हुआ है, इंक, पॉली पैकिंग, ये सब चीज़ें आ गई है रॉ मटेरियल में। इसका मतलब 96 पैसे में आपको बैरल, उसका एडाप्टर, उसकी टिप,
उसकी इंक और उसका ढक्कन और उसका पैकिंग मटेरियल, ये सब कुछ जो है 96 पैसे में आ गया है। आपको कुछ भी जो है अलग से बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से दूसरा मटेरियल है जो मार्केट में 3 रुपये में पेन दिखती है, उसका आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट देखेंगे तो 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 60 पैसे से 70 पैसे जो है उसका सेलिंग प्राइस होगा आपका, और रिटेल प्राइस उसका 3 रुपये है। प्रॉफिट उस पर देखा जाए तो 40 पैसे से 50 पैसा है। उसके बाद जो रिफिल वाली पेन आती है, इसी मशीन पर रिफिल वाली पेन भी बनती है, उसका रॉ मटेरियल आपको हमारे पास से ही मिल जाएगा। आपको पड़ेगा 1 रुपये 40 पैसे में जो है रॉ मटेरियल, उसकी सेलिंग प्राइस होगी 1 रुपये 90 पैसे, रिटेल प्राइस है 5 रुपये, टोटल प्रॉफिट है 50 पैसे। एक बार वापस मैं बोल देता हूँ, ये जो प्राइस आपको दी गई है रॉ मटेरियल कॉस्ट, इसमें आपका इंक टिप एडाप्टर बैरल और पैकिंग मटेरियल सब कुछ आ गया। इन शॉर्ट एक पूरी पेन बनाने की पूरी सामग्री सब कुछ आ गया, आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको ब्रोशर भेजा जाएगा, जैसे ही कुछ भी चेंज होता है प्राइस तो आपको नया ब्रोशर भेजा जाएगा। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो हमारी बैंक अकाउंट डिटेल आपको भेजी जाएगी। बैंक अकाउंट हमारी बैंक का नाम लिखा हुआ है कैनरा बैंक, नाम लिखा हुआ है, अकाउंट का नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच, IFSC कोड। दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि आपको जब भी मशीन बुक करनी हो, जैसे आपको ऑनलाइन बुकिंग करना है, आप शॉप तक नहीं आ पाएंगे, तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये भर के जो है मशीन बुक कर सकते हैं, और बाकी का अमाउंट जो रहेगा यहाँ से मशीन जो डिस्पैच होगी उसके 1 या 2 दिन पहले जो है आपको पेमेंट करना है। हम आपको कॉल करके बता देंगे कि आपकी मशीन रेडी है डिस्पैच होने के लिए, तब आप बाकी का पेमेंट बैंक में कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद शॉप पे आके बाकी का पेमेंट देकर मशीन लेके जा सकते हैं। दो ही ऑप्शन है, या तो आप खुद शॉप पे आके लेके जाइए बाकी का पेमेंट देके, या तो फिर आप अकाउंट में पैसा भर दीजिए और आपको जो है यहाँ से मशीन डिस्पैच कर दी जाएगी। होम डिलीवरी फ्री रहेगी, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तीसरा ब्रोशर है जिसमें हमने मशीन के सारे फ़ोटोज़ भेजे हुए हैं, हमारी मशीन का प्राइस लिखा हुआ होगा, और जो है हमारा जो है एड्रेस लिखा हुआ होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फोटो में जो है बीचों बीच जो है एड्रेस भी दिया हुआ है, यह हमारा एड्रेस है। जी दोस्तों, तो अब सबसे मेन सवाल आपका यही होगा कि मशीन मैं कैसे बुक करूं और मुझ तक मशीन पहुंचेगी कैसे। बहुत सिंपल सा वे है, आपको जो बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पे, उस अकाउंट में आपको 10,000 रुपये डिपॉज़िट करना है। 10,000 डिपॉज़िट करके आपकी मशीन जो है बुक हो जाएगी। 1 या 2 वीक का जो भी वेटिंग पीरियड होगा उसके बाद आपकी मशीन डिस्पैच होगी यहाँ से। 2 दिन पहले आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा कि आपकी मशीन डिस्पैच हो रही है, तब आपको बाकी का पेमेंट करना है। या तो आप खुद शॉप पे आके बाकी का पेमेंट करके मशीन लेके जा सकते हैं, या तो फिर बैंक में बाकी का पेमेंट करके होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री रहेगी, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मशीन जो है या तो पोस्ट पार्सल या तो रेलवे से पार्सल किया जाएगा और आप तक पहुँचाया जाएगा। उसका पूरा चार्ज जो है हम ही भरेंगे, आपको डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा अलग से। सबसे पहला सवाल जो लोगों को आता है कि मैं एक दिन में कितनी पेन बना सकता हूँ, तो उसका जवाब है कि आप एक दिन में 2000 पेन बना सकते हैं 9 घंटे काम करके। जी हाँ, यदि अगर आप 2000 पेन बनाते हैं एक दिन में, तो टोटल आपका जो मार्जिन बनता है, अगर मैं मिनिमम मार्जिन जो है 30 पैसे के हिसाब से काउंट करूँ, तो 30 पैसा इंटू 2000 करता हूँ तो होता है 600 रुपये। अगर मैं मैक्सिमम मार्जिन जो कि 50 पैसा है, 50 पैसा इंटू 2000 करता हूँ, तो आपका टोटल पूरे दिन का अर्निंग होता है 1000 रुपये। तो टोटल आप एक दिन में इस मशीन पे काम करके 600 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का मुनाफा कर सकते हैं, अगर एक आदमी एक मशीन पे 9 घंटे बैठ के 2000 पेन बनाता है तो। अगर ज़्यादा आदमी है और ज़्यादा पेन बनती है तो आपका मुनाफा और ज़्यादा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे कैसे जा सकते हैं। जैसे कि आप ये लिंक देखेंगे जो हाईलाइट किया हुआ है, ये लिंक है जो हमने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। इस लिंक के ऊपर सिर्फ एक बार आप क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट यूट्यूब का हमारा जो है वीडियो खुलेगा। इस वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो सारी डिटेल आ रही है, ये
ये जो 4 लिखा है इसके बाजू में आप देखेंगे छोटा सा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आप क्लिक करेंगे, देखिए ट्राइंगल उल्टा और सीधा होता है, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे सारी डिटेल आती है, इस डिटेल को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट की लिंक आती है ब्लू कलर में, इस पर सिर्फ एक बार क्लिक कीजिए तो जो है हमारी वेबसाइट खुल जाएगी इस तरह से। वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, ब्रोशर होगा, प्राइस रेट होगा और अलग अलग जो भी लेटेस्ट रॉ मटेरियल आते रहते हैं हमारे पास, वो सब रॉ मटेरियल की फ़ोटोज़ भी होगी नीचे जी।